आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया रविवार 17 नवंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन, तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि में हो रहे मनोरथों, उत्सवों एवं आज के दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का के अनुसार अब शीत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। गिरे तो लागत है अति शीत के, गिरे तो लागत है अति शीत के। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में दंडवत करते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत और परम मंगलकारी है प्रभु के से मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक धराया हुआ है और चिबुक पर हीरा धारण किया हुआ है। नकवेसर भी धारण किए हुए हैं। इनके साथ प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान मधुर आनंद प्रदान करते हुए सम्मोहित कर रही है। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया हुआ है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज हरे रंग की जरी के आधार वस्त्र पर सिल्मा सितारों एवं जरदोषी के काम वाली शीतकाल की पिछवाई सजाई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मलमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के
रत्न जड़ित दो पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी एवं दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीत ऋतु में उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है, और चर्वित तांबूल की सेवार्थ रजत की त्रिष्टि जी पधराई हुई हैं। अब वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र हरे रंग की साटन के धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठी का जी पर जो ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं वे आज गुलाबी रंग के धराए हैं। हरी जरी के मोजाजी धराए गए हैं, जिन पर सुनहरी फोंदना लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार बाजूबंद पौची हस्त साखला कड़े मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को स्वर्ण से ही सिद्ध किए हुए दो वेत्र जी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को फिरोजी रंग की जरी का ग्वाल पगा धराया गया है। यह ग्वाल पगा नीचे की तरफ दो मोतियों की लड़ों से सुसज्जित है। इसके ऊपर मोती तथा हीरा से सुसज्जित पगा चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शिशफूल धराए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि श्री कंठ में प्रभु को आभरण से मिलवा त्रवल भी धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित गुलाबी मीणा के लोलक बिंदी लड़ वाले कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत गुलाबी लाल एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट हरे रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की बाग बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार आभरण एवं वस्त्रों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। इस छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है, जिसमें आज रजत से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय हरि
जस गावत चली ब्रजनार, राजभोग के समय चलरी सखी, नंद गाँव जाय बसिए, आरती के समय गोवर्धन गिर, चढ़ तेरी गाय बुलाई, शयन के समय तेरे री बदन कमल पर, मान के पद में मान नी मान में रो कहो पोड़वे में, रंग महल सुखदाई पोड़े, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा में मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं शयन भोग में प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग नियमानुसार अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला श्रृंगार राजभोग आरती दर्शन एवं शयन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीत ऋतु की वजह से विशेष रूप से प्रभु को भोग सेवा में सीरा अर्थात हलवा की सामग्री, पिंड खजूर एवं रतालू की चटनी सहित अरवी, रतालू एवं अन्य कंद तले हुए अरोगाए जाते हैं। सायंकालीन सेवा में भी हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु को प्रातः धराए श्री कंठ के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और शयन दर्शन है तो छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए जाते हैं। आज फिरोजा का पगा बड़ा करके छज्जेदार पाग धराई जाती है। श्री मस्तक पर लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की सभी सेवा सुखेन हो रही है और प्रभु के सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गुरु के Oh.
Thank you.
इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।